आप खरीदना चाहते हैं गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, कुंदन, एंटिक ज्वेलरी, हिमाचली ज्वेलरी, टेपल ज्वेलरी, तो चले आइए दीपक ज्वेलर, लक्कड़ बाजार, सोलन, 9816078655। हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने सोलन में पत्रकार वार्ता के दौरान स्पष्ट किया कि वे पार्टी में किसी प्रकार की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि शिमला में कार्यकर्ताओं के बीच हुई मारपीट के मामले में उन्होंने जांच कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी उनको 5 दिन के अंदर रिपोर्ट देगी और इस रिपोर्ट में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी में निष्क्रिय पदाधिकारियों की छुट्टी की जाएगी और ऐसे लोगों को पदाधिकारी बनाया जाएगा जो सक्रिय तौर पर पार्टी के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं। मैंने अपना अध्यक्ष पद भार संभालने के बाद ये मेरा पहला दौरा है। मैं इसके बाद पूरे प्रदेश का दौरा करूंगा। मैं जमीनी स्तर पे जो संगठन की स्थिति है उसका आकलन करूंगा और उसके बाद जो भी निर्णय होगा पार्टी के हित में वो मैं लूंगा। जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो जैसे इंटक है या दूसरे हैं वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और जो वहाँ पर शिमला में हुआ है तो उसके बारे में आपने क्यों चेतावनी दी है उन्हें? देखिए, जो शिमला में हमारा एक बहुत सफल आयोजन हुआ और शायद हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के इतिहास में पहली बार हुआ कि कोई प्रदेश अध्यक्ष जो बना है उसने सबसे पहले जनसभा की और उसके बाद जो है उसने जाके पार्टी कार्यालय में पद ग्रहण किया। थोड़ी सी एक घटना हुई और मैं उस घटना की निंदा करता हूँ, नहीं होना चाहिए था। मैंने 2 सदस्य जो है कमेटी का गठन किया और 5 दिनों में मुझे रिपोर्ट दे रही है और उसके बाद जो भी उनकी रिपोर्ट होगी उसके जो भी लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा? भारतीय जनता पार्टी ये जो कुनीतियाँ जो केंद्र सरकार ने इस देश में जो है आर्थिक व्यवस्था को तहस नहस किया, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, जो चुनाव से पूर्व इन्होंने देश की जनता से वायदे किए थे वायदा खिलाफी की है और उसी तरह हिमाचल प्रदेश में सरकार हर मोर्चे पे असफल रही है। कानून व्यवस्था के बुरे हाल हैं, प्रदेश में नशे का कारोबार बढ़ा है और सरकार अंकुश लगाने में जो है नाकामयाब रही है। जमीनी स्तर पर कोई तरक्की के काम नहीं हो रहे। जो कांग्रेस सरकार के समय में कार्य हुए, श्री वीरभद्र सिंह जी की सरकार के समय में जो कार्य हुए उन्हीं कार्यों का जो है क्रेडिट लेने का प्रयास किया जा रहा है। उद्घाटन पट्टिकाओं में जो है अपने नेताओं के नाम दर्ज किए जा रहे हैं और हमारे पार्टी के जो नेता हैं, विधायक हैं, जिस निर्वाचन क्षेत्र में, उनको इग्नोर किया जा रहा है। तो ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर हम जनता में हमने शंखनाद कर दिया। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के कब तक फाइनल होंगे या कोई सर्वे हो रहा है इसके लिए, क्या क्राइटेरिया रहेगा? देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के पास सभी लोकसभा चुनावों में क्षेत्रों में बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं। अभी हम जाके मैं भी आकलन कर रहा हूँ और पार्टी अपने